कैसे ये फिल्म भी लीड एक्टर के पूरे फिल्मोग्राफी से अलग, कैसे इस फिल्म ने बॉलीवुड का एक और फिल्म इंडस्ट्री के साथ नाता मजबूत बना दिया। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीप्लान स्टूडियोज में। इस बात को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में अपडेट्स डालें, तो वह आप सबसे पहले जान पाए। लव, इश्क, प्यार, मोहब्बत, वानगी, आशिकी, इन सारे नामों पर न जाने आज तक पूरे विश्व में कितनी फिल्में बन चुकी हैं, कितने गाने बन चुके हैं। और हाँ, इन सारे वर्ड्स का ओरिजिन है दिल। अब ना जाने इस वर्ड को कितनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है। इंदर कुमार की फिल्म इश्क जो 1997 में रिलीज हुई थी, और दिल जो 1987 में, फिर इशक जादे इश्किया, दिल तो पागल है, दिल दे के देखो, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल है कि मानता नहीं, दिल ने जिसे अपना कहा, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल तेरा आशिक, लॉरेंस डिसूजा की मोहब्बत, फिर मोहब्बतें, और उसके बाद प्यार शब्द से प्यार तो होना ही था, प्यार किया तो डरना क्या, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, फिर प्रेम शब्द से प्रेम प्रतिज्ञान, प्रेम कहानी, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम ग्रंथ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और फिर दीवाना शब्द से आवारा पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, दीवाना, दीवाना मस्ताना, या आशिकी के बाद आशिक आवारा। तो भाई एक बात तो तय है कि प्यार और इसके सिनोनिम्स का प्रयोग बहुत जोरों शोरों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में किया जा रहा है। लोगों को जैसे एक लत लग गई है प्यार को बड़े पर्दे पे देखने की, और ऐसे में जब कई सालों तक प्यार दिखाने के बाद एक फिल्म का नाम सिर्फ लव रख दिया जाता है, तो ये जनता को ऐसा फील करवा सकती है जैसे कि फिल्म की कहानी बहुत मामूली लव स्टोरी हो, जिसमें लड़का लड़की का मिलना बिछड़ना दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से फिल्म में लोगों का इंटरेस्ट कायम नहीं रहता है। तो ऐसे में फिल्म का बनना और फिल्म का हिट होना एक बहुत ही बहादुर स्टेप के साथ एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट बन जाता है। फिर फिल्म के नाम से ही आपको पता चल जाता है कि फिल्म एक लव स्टोरी रोमांटिक फिल्म है, और फिल्म के हीरो कौन है, आपने सिक्स पैक्स वाले सलमान खान भाई, जो तब के दौर में एकदम दुबले से थे। तब सलमान खान को तीनों खान्स में से सबसे वीकेस्ट माना जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में बाकी खान्स की तरह पॉपुलर नहीं होती थी। आज उनको दुनिया के सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक माना जाता है, और उनकी एक टफ इमेज भी है। फिल्म की एक्ट्रेस रेवती थी, जो एक बहुत ही कामयाब साउथ एक्ट्रेस थी, और हाल ही में उन्होंने डायरेक्शन में भी कदम रखा है। उन्होंने टू स्टेट फिल्म में आलिया भट्ट की माँ का रोल भी किया था। उनका हिंदी फिल्मों में काम करना एक बहुत बड़े टैबू को तोड़ने में मदद करता है कि साउथ इंडियंस को हिंदी फिल्मों से नफरत है। उस दौर में उनके साथ श्रीदेवी, कमल हसन, नगमा रजनीकांत, नाग अर्जुन जैसे कई एक्टर्स थे, जिन्होंने साउथ से बॉलीवुड में आकर टॉलीवुड और बॉलीवुड के रिश्तों को गहरा बनाया है, जिसकी वजह से आज हमें पैन इंडिया फिल्मों में धर्मा और एक्सल जैसी प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कमेंट्स में इस फिल्म से बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा के सबसे पसंदीदा गानों के नाम लिखिएगा, और तब तक के लिए हम हमारा फेवरेट सॉन्ग साथिया तूने क्या किया सुन रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड की बाकी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।